दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना कोई अपवाद नहीं है और इस फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है। कोर्ट ने केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर ईडी और केजरीवाल के वकीलों के दावों और जवाबी दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, हमने किसी के लिए अपवाद के तौर पर कुछ नहीं किया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें न्यायोचित लगा। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध जताया कि अगर विपक्षी गठबंधन चुनाव में जीत जाता है तो उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने मेहता से कहा, ये उनका मानना है, हम कुछ नहीं कह सकते। वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के बयान का जिक्र किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी मुख्य याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हाल ही में कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूँ। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी काफी चर्चा में है, सुनिए इस बयान को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है।